उमा भारती इस वक्त कुछ कह रही हैं, सीधे सुनते हैं उनको। उनके लिए भी मैं दायित्व निर्वहन में कभी नहीं छोड़ूंगी। नदियां भी हमारे देश की शान है, पहचान है, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, चंबल हो, बेतवा हो, ताप्ती हो, अनेक अनेक नदियां हैं जिनके मैं नाम नहीं ले पा रही हूं अभी। वो सारी नदियां हमारी देश की शक्ति हैं और ये नदियां सिर्फ धर्म के आधार पर इनकी पहचान नहीं है, इनसे करोड़ों करोड़ों मछुआरों का जीवन, करोड़ों अरबों किसानों का जीवन इनसे जुड़ा हुआ है। इसलिए ये अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों का साधन है हमारे देश में नदियां। ये लौकिक और अलौकिक दोनों हैं, ये रोटी और रोजगार भी देती हैं और नहाने वाले को मोक्ष भी देती हैं। और इसलिए इतने महत्व दायित्व को मोदी जी ने मुझे इसके लायक समझा, मैं बहुत उनका आभार व्यक्त करती हूं, उनका और राजनाथ सिंह जी का और मेरे राज्य मंत्री जिनका स्वतंत्र प्रभार भी है। मेरा भाग्य है कि उनके जैसे संयमी और धैर्यशील व्यक्ति को मेरे साथ में एक बहुत अनुभवी और प्रामाणिक व्यक्ति हैं संतोष गंगवार जी, वह भी राज्य मंत्री के नाते बहुत सारे दायित्व उनको दिए गए हैं, उसमें गंगा के मामले में भी उनको मेरे साथ में खड़ा कर दिया गया है। इससे मेरी शक्ति बढ़ी है, मेरा बल बढ़ा है, मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करती हूं। और हमारी उनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है कि गंगा जी की ही कृपा है कि वो भी मेरे साथ में है, मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और अच्छी बात यह हुई, आप देखिए जहां भी मुझे मोदी जी ने खड़ा किया वहां मैं 100% सफलता लेके आई, अभी तक का रिकॉर्ड यही है। बुंदेलखंड से मैं लड़ी तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की 14 सीटें हमने प्राप्त की। उत्तराखंड का मुझे चार्ज मिला तो हमने पांचों की पांचों सीटें प्राप्त की। मध्य प्रदेश का चार्ज मिला था तो 3/4 से बहुमत दिया था। बिहार का चार्ज मिला था तो भगवान की दया से सरकार बनी थी। अब गंगा जी का काम मिला है तो मैं भगवती के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और समस्त नदियों के लिए भी और जल के लिए भी कि हो सकता है कि इस काम में भी भगवान की कृपा से, मेरे गुरु पेजावर स्वामी जी की कृपा से मुझे सफलता प्राप्त हो। अब आप लोग पूछेंगे ना, दिल्ली में यमुना है जिसमें 20,000 करोड़ रूपए पिछली सरकार ने बहा दिए हैं, क्या है यमुना की प्रायोरिटी, देश की राजधानी? यमुना भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इसलिए जब हम नाम लेते हैं तो गंगा के बाद यमुना ही आती है, हमारे राष्ट्रगान में भी आती है। और इसलिए ऐसी स्थिति में मैं लगभग 15 दिन लूंगी कि कितना पैसा अभी तक आया, गंगा बेसिन अथॉरिटी के माध्यम से कितना आया, उसमें किस किस नदी के लिए गया, कहां कहां पर उसका उपयोग हुआ। इसके पहले राजीव जी ने गंगा एक्शन प्लान बनाया था, मनमोहन सिंह जी ने गंगा बेसिन अथॉरिटी बनाई, मुझे इसके लिए समझने के लिए थोड़ा समय दीजिए। मैं अपनी प्रतिबद्धता और नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता आपको बताई देती हूं। हमारी प्रतिबद्धता है गंगा अविरल, निर्मल और निर्बाध हो, सब नदियां प्रदूषण मुक्त हो और लोगों को साफ सुथरा जल पीने के लिए मिले। और नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रयोग किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, बरसे हुए पानी को रोकने का यथासंभव प्रयास और बरसे हुए पानी को नदियों में संजो देने का प्रयास और नई, यहां तक कि नई ट्रिब्यूटरी रिवर्स का निर्माण किया गया इसके लिए गुजरात में। तो मुझे लगता है कि उनका ये जो अनुभव है उनके मार्गदर्शन में हम तीनों प्रकार के काम कर सकेंगे। गंगा अविरल, निर्मल और निर्बाध बहे, गंगा के अलावा बाकी की नदियों की भी यही स्थिति बने, पीने के पानी में हमारे विभाग का जितना सहयोग है वो हम करें और जल संवर्धन की दृष्टि से हमारे जो प्रयास हैं उसमें हम कमी नहीं रखेंगे। कितना पैसा आया, किस किस एजेंसी से आया, क्या हुआ, इस सब के बारे में तो 15 दिन मुझे लगेंगे जवाब देने। नदियों को जोड़ने के लिए पिछले सरकार की योजना जो थी एनडीए के काल की, उसको लेकर किस तरह से आपने? नदियों को जोड़ने की जहां तक बात है ये विषय हमारे विभाग के उसमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी विषय पे बोलूंगी नहीं, लेकिन मैं अपने विभाग के बारे में सार्वजनिक बोलूंगी और अन्य कोई विषय यदि होंगे तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से खुद बात कर सकती हूं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो मैं उनसे इन अन्य विषयों पर बात करूंगी। इसलिए जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट हमारी पिछली सरकार का है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लग गई थी, अभी 1.5 साल पहले वो रोक बहाल हुई है। अब माननीय मोदी जी और उनकी सरकार का इस प्रोजेक्ट के बारे में जो निर्णय होगा मुझे लगता है कि उससे संबंधित ही कोई मंत्री बता सकेंगे। मेरे से जब पूछा जाएगा तो मैं निश्चित रूप से मोदी जी से इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन मैं सार्वजनिक बयान उस पर नहीं कर सकता। उमा जी, उमा जी, साबरमती की तरह एक तो हमने, अगर आपने, मैं दोनों इनका भी उत्तर दे दूंगी आपका, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव आंसर बिकॉज आई एम वेरी हर्ट अबाउट इट, आई एम एक्सट्रीमली हर्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्विजिशन। ओके, आपने जो बात कही है, आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ओके, आपने जो बात कही है, हमने, आपने देखा होगा माननीय मोदी जी ने और मैंने इसका ध्यान रखा कि हम गंगा सफाई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि हम पापी हैं, हमने अपना पाप डाला है गंगा में।
हम अशुद्धि, हमने अपनी अशुद्धि डाली है। नदी तो निर्दोष है, उसकी भूल कहाँ है? और हम उसको गंदा कह रहे, और हम अपने आप को उद्धारक भगवान की भूमिका में मान रहे। मैं तो मानती हूँ कि हम प्रायश्चित करेंगे अपनी भूलों का, इसलिए बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग हुआ है, गंगा पुनर्जीवन कायाकल्प, इसी शब्द का प्रयोग हुआ है। और इसके लिए मैं कोई समय नहीं बता सकूंगी, आप मुझे इसके लिए 15-20 दिन का समय दीजिए। मैं समस्त अधिकारियों से, अनुभवी लोगों से, जिन्होंने भी जल के क्षेत्र में काम किया है पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, सभी लोगों ने, हिमालय से लेकर के आसेतु हिमालय, जिनने भी काम किया और भारत से बाहर भी, मैं उन सबसे संपर्क करने वाली हूँ तुरंत, और उन सबके अनुभवों के आधार पर हम एक टाइम तय करेंगे कि कब तक हम कर सकते हैं, और मैं आपको अवगत कराऊंगी। जो क्वेश्चन इन्होंने किया, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मेरे को ना ना शी हैज आस्क्ड वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज आई वाज एक्सट्रीमली हर्ट, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट, आई वाज हैविंग फीवर यस्टरडे, सो आई रेड द न्यूज़पेपर टुडे एंड आई सॉ दैट कांग्रेस पीपल आर आस्किंग द क्वालिफिकेशन ऑफ स्मृति ईरानी, आई वांट देम टू टेल मी व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ, ओके माय वॉल्यूम इज लेस, मैं हिंदी में भी बोल दूंगी, ओके सॉरी, कांग्रेस पीपल आर आस्किंग अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ स्मृति।